ओके, क्वेश्चन है, 8 ईयर अगो एज ऑफ पी वॉज 2 ईयर्स मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। इफ द रेशियो बिटवीन एज ऑफ क्यू 4 ईयर हैंस एंड पी 2 ईयर हैंस वुड बी इन रेशियो 4:5, देन फाइंड द एज ऑफ क्यू 2 ईयर हैंस। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर है, पी है एंड क्यू है। सपोज करते हैं पी का जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है एंड क्यू का प्रेजेंट एज हम लोग का वाई है। ओके, तो क्या बोल रहा है, 8 साल पहले पी का जो एज था, प्रेजेंट एज एक्स चल रहा है, 8 साल पहले एक्स माइनस एट ये कितना था, क्यू का जो प्रेजेंट एज है यानी कि वाई का जो वाई प्रेजेंट एज है इससे 2 साल अधिक यानी कि +2। तो इससे हम लोग का एक इक्वेशन निकल जाएगा, एक्स माइनस वाई 8 जाकर 10 हो जाएगा, एक इक्वेशन मिला हम लोग को। और इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पी और क्यू का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअली क्यू और पी का दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सजा के लिखते हैं पी एंड क्यू, सिंस हम लोग इसको अल्टी पल्टी किए हैं इसलिए इधर भी अल्टी पल्टी हो जाएगा। ओके, अब पी का जो एज है 2 साल के बाद कितना होगा, एक्स +2 होगा, और क्यू क्यू का जो एज है इस 4 साल के बाद कितना होगा, वाई +4 होगा। तो ये किसके बराबर होगा, 5/4 के बराबर होगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ से भी एक इक्वेशन निकल जाएगा, 4x 4 2 8, 5/5 4 20 यानी कि 4x -5y उधर जाकर 12। ओके, इसको यहाँ लिख लेते हैं, 4x -5y एंड 12। अब यहाँ से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, एज ऑफ क्यू निकालना है, यानी कि यहाँ पर हम लोग वाई का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हम लोग एक्स को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको इंटू 4 कर देते हैं, जिससे 4x 4x हो जाएगा सेम। ओके, अब यहाँ नहीं कटेगा इसलिए इसको साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो ये साइड हम लोग कैंसिल हो जाएगा, 4x 4x का साइड, ठीक है। तो बचा क्या, -y, ओके, -4y बराबर 40, ओके, एंड इधर बचा +5y एंड -12। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा 28, ठीक है। तो y किसका था, q का परसेंटेज था, ठीक है। तो अभी करंट क्यू का परसेंटेज चल रहा है 28, लेकिन हम लोग क्या निकालना है, 2 साल के बाद कितना एज होगा, तो 2 साल के बाद हो जाएगा इसका 30 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर आप गौर करिए, ऑप्शन बी भी दिया हुआ है जो कि है 28। अगर आप थोड़ा हड़बड़ी में बनाइएगा तो आप, हो सकता है आप 28 का ऑप्शन मार कर आ जाइए, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।